नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल एलनाबाद से एलडी स्वामी की रिपोर्ट। आज़ादी के 70 सालों में समुदाय विशेष ने ही की है हम पर हुकूमत। जी हां, राजकुमार सैनी ने ये बात एलनाबाद में कही। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों की पैरवी करने वालों ने दलितों को दबा रखा है और जाति के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों के नाम पर खोखली भाषणबाजी बंद कर दें। उन्होंने कहा कि 500 उपद्रवियों के सामने बीजेपी सरकार भी बोनी पड़ गई। बोले इस सरकार ने जिन्होंने प्रदेश को जलाया और उनको नौकरी और मुआवजा दिया गया। उन्होंने इनेलो पर हमला करते हुए कहा कि SYL पर नौटंकी करना बंद कर दें, खासकर जिनका आधे से ज़्यादा परिवार भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हो, वे भ्रष्टाचार पर भाषण देना बंद करें। उन्होंने अभय सिंह चौटाला पर टिप्पणी करते हुए कहा जिन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मुकदमा दर्ज हो वो क्या भ्रष्टाचार मिटाएंगे। इन्हीं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2 सितंबर को पानीपत में पहुंचे जहां पर हमारी अपनी पार्टी की स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की घोषणा की है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। 70 साल में जो आज भ्रष्टाचार के और विकास के रास्ते दिखा रहे हैं, अगर 70 साल पहले ये 5 काम कर देते, 100% आरक्षण सभी जातियों का हिस्सा, जब हम जाति व्यवस्था को तोड़ नहीं सके तो सभी जातियों का हिस्सा जनसंख्या के अनुपात में भाई सभी को मिलना चाहिए। और मेरा ये बात पूछना है कि जब सभी जातियों का हिस्सा सबको मिलेगा तो बेईमानी फिर कौन नेता किसके साथ कर सकेगा अगर हम इसे कानूनी जमा बना देते हैं। कितने लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि सबका हिस्सा सबको मिले, ऐसा भी बच्चा कोई जो यूं सोचता हो कि मेरे को भी जो 70 साल से लोगों के साथ लूटपाट हुई, उस लूटपाट को हम सिमिलरिटी में लड़ेंगे। एक एजेंडा हमारा 100% आरक्षण, एक परिवार एक रोजगार, हम दो हमारे दो। और ठीक, किसान और मजदूर के नाम पर जो लूटपाट हो रही है, इस पैसे को देश के काम आए, इन मजदूरों को किसानों से जोड़ेंगे, छोटे किसान को भी उस मनरेगा स्कीम में लेंगे, 100 दिन की बजाय 300 दिन मनरेगा स्कीम चलाएंगे। 60% आबादी खेत खलिहान के काम से जुड़ सकती है और काम कहीं इंडस्ट्री या कहीं दूसरी जगह पर कोई कारोबार रोजगार नहीं है। आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जब हमारी खेती मजबूत होगी तभी इस देश के लोगों के अंदर ताकत आएगी, तभी ये बाजार चलेंगे, तभी ये सब कुछ लोगों को रोजगार मिलेंगे, सामान बिकेंगे तो फैक्ट्रियाँ खुलेंगी। आज हमारे देश को लोगों ने लूट लिया है, राज्यसभा के माध्यम से इस देश को चलाया जाता है, जिनको जनता चुन के भेजती है वो लोकसभा है, लोअर सदन, जो वहाँ पास होता है अपर सदन ढाकर से रद्दी कचरे में डाल देता है। प्रजातंत्र को कठपुतली बना रखा है, इसे आज़ाद कराने के लिए हम राज्यसभा समाप्त हो और इस देश की आबादी कंट्रोल हो, इन 5 मुद्दों के ऊपर हम इस देश के अंदर एक वातावरण खड़ा करेंगे। और अगर जनता जगी तो हरियाणा से इन 5 मुद्दों को साकार करके राष्ट्रव्यापी इन मुद्दों को हम जनता के बीच ले जाएंगे। आरक्षण के मामले को लेकर एक बार फिर जाति विशेष ने आंदोलन की, 16 चेतावनी, क्या कहेंगे इसका? बदकिस्मती है इस देश की कि 10% लोगों के पास आज 51% नौकरी और 90% लोगों के पास 49% नौकरी है, और बैकवर्ड समाज 52% है जिसको छला गया सभी सरकारों में, उनके पास सिर्फ 12% नौकरी है, जो कि मंडल आयोग ने उनके हिस्से 52 की बात की थी। लेकिन देश में सभी बैकवर्ड और बेरोजगारों गरीबों के ऊपर भाषण दे रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है। इन भाषणों से परे हट करके सबका साथ सबका विकास जो आज भी नारे चल रहे हैं, हम जनता के बीच जा करके 100% आरक्षण की बात करते हैं कि सभी जातियों का हिस्सा सब जातियों का मिलना चाहिए, हर परिवार में एक नौकरी होनी चाहिए, तब ये देश आगे बढ़ सकता है। डार्क जोन आजकल कई एरिया हो चुके हैं, सरकार को ये चाहिए कि उसके सब्स्टिट्यूट या तो कोई वहाँ पर नहर का पानी ला करके उसको वाटर लेवल को कंट्रोल किया जाए, अन्यथा ऐसा ना हो कि किसान कल को उसकी भूमि उत्सर हो जाए और वो भूखों मरने के लिए मजबूर हो जाए।
तो इसके लिए मैं सरकार के बीच में 3 दिन पहले अपना लिखित संदेश दे।